आर्मी हमारी इंडिया से बहुत बेहतर है, उसके बाद हमारी जो है इंडस्ट्री आई थिंक सो उससे बेहतर है, उसके बाद यहाँ के लोग, पाकिस्तान और इंडिया के लोगों का बहुत बड़ा जो है वो एक सीन है। पाकिस्तान के लोग पॉजिटिव हैं, इंडिया के लोग पॉजिटिव बिल्कुल भी नहीं है। पाकिस्तान जो है मतलब ज़्यादा रियलिस्टिक सोचता है, जैसे इंडिया जो है ना वो पेट्रोटिज़म ज़्यादा है, वो ये नहीं देखते कि हम लोग सही करें या गलत करें, वो बस अपनी कंट्री को मतलब डिफेंड करते रहते हैं। हमारी प्लानिंग ज़्यादा अच्छी है, हम वॉर में और हमारी ज़्यादा अच्छी प्लानिंग है और आर्मी उनसे ज़्यादा बेहतर है। हम में मैं समझता हूँ कि हुब्बुल वतनी का जज्बा उनसे बेटर होता है। जैसे जो आपको शो होता है डिफेंस में आर्मी के, उनकी रिक्रूटमेंट पूरी नहीं हो पा रही होती। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुज धीमान और आप देख रहे हैं नेशन ब्रो। अगर आज के समय में या फिर एक साल पहले कोई आपको ये गिनाए कि पाकिस्तान भारत से किस तरीके से अच्छा है, किस तरीके से तरक्की कर रहा है, तो आप कहीं ना कहीं कहेंगे यार एकदम ये जाहिल लोग हैं। आज हम उन्हीं जाहिलों का आपको वीडियो दिखाएंगे, उसके बाद हम बात करेंगे इस वीडियो के बारे में और इस वीडियो के अंदर जो बताया गया उसके बारे में। आइए वीडियो देखते हैं। कौन सा फैक्टर जिससे आपको ये लगता है कि पाकिस्तान जो है बेटर है इंडिया से? मेरे ख्याल से पाकिस्तान काफ़ी बेटर है इंडिया से, क्योंकि पाकिस्तान का जो डिफेंस सिस्टम है, एक्चुअली उनकी जो आर्मी है मतलब हमारी, वो इस सेंस में परफेक्ट है कि they're like never attacking the other person or they're not actually like always they're probably defending us and they're doing their best to save us। देखिए बहुत से हैं, मतलब एक तो हमारी आर्मी है सबसे बेस्ट हमारे पास, जो आर्मी हमारी इंडिया से बहुत बेहतर है, उसके बाद हमारी जो है इंडस्ट्री आई थिंक सो उससे बेहतर है, उसके बाद यहाँ के लोग, पाकिस्तान और इंडिया के लोगों का बहुत बड़ा जो है वो एक सीन है। पाकिस्तान के लोग पॉजिटिव हैं, इंडिया के लोग पॉजिटिव बिल्कुल भी नहीं है। बाकी यहाँ पर पाकिस्तान में जो माइनॉरिटीज़ हैं उनको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है इंडिया के। इंडिया में पाकिस्तान हमें पता है कि सब मुसलमानों के साथ डील कर रहे हैं आजकल, और कश्मीर का पिछले दिनों जो इंसिडेंट्स हुआ है उसके बाद सारा कुछ उस हिसाब से काफ़ी ज़्यादा, कहने के हिसाब से पाकिस्तान बेटर है। इंडिया में कुछ भी ऐसे गट्स नहीं है कि उसको अच्छा कहा जाए। बाकी ये है कि इंडिया की हमारे पढ़ाई में वो हमसे आगे है, उसके बाद वहाँ का आईटी अच्छा है हमसे, मतलब कुछ है चीज़ें जिसमें वो हमसे अच्छा है, लेकिन हम भी इतने पीछे नहीं हैं उनसे, लेकिन है थोड़ा से कह सकते हैं 50-50 सीन है। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान जो अपने हक़ाइक़ को छुपाता नहीं है और इंडिया जो है वो मतलब अपनी असली जो बात है उसको छुपाता है और जो झूठी बातें हैं वो सामने लाती हैं। कोई भी देख लें, जिस तरह इंडिया जो लंबी लंबी छोड़ जाते हैं, पाकिस्तानी अपनी जो काम करते हैं उसको तस्लीम कर लेते हैं, मगर वो उसको तस्लीम नहीं करते। अभी जो इंडिया के अंदर चल रहा है वो देख लें, आपके लोगों को उनसे हकूक़ जो हैं वो छीने जा रहे हैं और एहतजाज कर रहे हैं, मगर फिर भी वो उनके खिलाफ यतकंडे जो है जतला रहे हैं। अच्छा, दूसरा वो जुल्म की वजह से ना मजलूम पे जुल्म करेगा, जो हकूक़ होंगे लोगों को उनको देगा नहीं, इस वजह से ना वो साइको टाइप और इस तरह के लोग बन गया कि वो सिर्फ जुल्म करने पर उतरे जो आए, और उनकी बहुत सी तहरीकें ऐसी चल पड़ी हैं जैसे वो सिख सेना और जो लोगों को छोटी छोटी बात पर कत्ल कर देते हैं। इस वजह से ना हम इंडिया से काफ़ी, पाकिस्तान जो है मतलब ज़्यादा रियलिस्टिक सोचता है, जैसे इंडिया जो है ना वो पेट्रोटिज़म ज़्यादा है, वो ये नहीं देखते कि हम लोग सही करें या गलत करें, वो बस अपनी कंट्री को मतलब डिफेंड करते रहते हैं। और हम जो है हम लोग मतलब देखते हैं कि जहाँ पे हम गलत हो तो हम एक्सेप्ट कर लेते हैं कि पाकिस्तान की गलती है, और वो अपनी गलती कभी एक्सेप्ट नहीं करते। आप बताएं कुछ। वी हैव फ्रीडम टू प्रैक्टिस आवर रिलीजन एंड सेकेंडली हमारा कल्चर ज़्यादा बेहतर है उनसे, इट्स क्लीनर, इट्स यू नो, एंड आई बिलीव पाकिस्तानी पीपल दे आर मोर डिसेंट। इस ह्यूमन राइट्स के हवाले से, क्योंकि जो इंडिया वहाँ पे ये कास्ट और इस तरह की चीज़ों की बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन बहुत की जाती है, लेकिन पाकिस्तान में उस तरह से नहीं किया जाता। कुछ फैक्टर्स हैं जिस पर इंडिया बेटर है और कुछ फैक्टर्स जिस पर पाकिस्तान बेटर है। फैक्ट ऐसा कौन से फैक्ट? एजुकेशन सिस्टम इंडिया का बेस्ट है पाकिस्तान कंपैरेटिवली, और जो डिफेंस सिस्टम है वो ऑब्वियसली पाकिस्तान का बेस्ट है एज कम्पेयर टू इंडिया। मैं इस टॉपिक के अगेंस्ट में जाना चाहूँगा, क्योंकि मुझे लगता है कि पाकिस्तान इंडिया से बेटर नहीं है, क्योंकि अगर आप उनकी एजुकेशन सिस्टम देखें वो वे बेटर हैं पाकिस्तान से, और इंडस्ट्रीज़ का आप हाल देख सकते हैं पाकिस्तान में बहुत ख़राब है, और इंडिया टॉप पे जा रहा है आईटी में भी। उनके सीईओ आपका गूगल का इंडियन है, फेसबुक आप देख ले, सारे वर्कर्स एम्प्लॉयज़ सीईओ इंडियन ही है। तो मैं इस टॉपिक के अगेंस्ट में जाना चाहूँगा। कुछ भी अच्छा नहीं है उनमें। पाकिस्तान में आप देख सकते हैं कि माइनॉरिटीज़ को इज़्ज़त दी जाती है, उधर इंसिडेंट्स आप देख रहे हैं सोशल मीडिया पर, वीडियोज़ लीक हो रही है कि क्या हो रहा है, इस लिहाज से पाकिस्तान में कहूँगा बेहतर है। लेकिन अब ये पाकिस्तानी होकर ये चीज़ सोच रहे हो, ऐसा तो नहीं कि पाकिस्तानी होकर आप पाकिस्तान की तारीफ़ कर रहे हो, इंडिया की बुराई कर रहे हो। मैं बिल्कुल न्यूट्रल होकर कह रहा हूँ, मैं जो उनकी बेहतर है चीज़ें मैं उनको सपोर्ट करूँगा, और जो पाकिस्तान की बेहतर है मैं उनको सपोर्ट करूँगा। ओके, आप बताएं। ज़्यादातर बातें तो उनकी ठीक हैं कि इंडिया ज़्यादातर काफ़ी ज़्यादा फील्ड्स में हमसे आगे हैं, लेकिन कुछ बातें मैं अगर इनके हक़ में जाऊँ पाकिस्तान में तो ये है कि पाकिस्तान की आर्मी बेहतर है इंडिया से। मतलब इंडिया के पास ज़्यादा टेक्नोलॉजी हो भले हो, लेकिन उनकी प्लानिंग, हमारी प्लानिंग ज़्यादा अच्छी है हम वॉर में, और हमारी ज़्यादा अच्छी प्लानिंग है और आर्मी उनसे ज़्यादा बेहतर है। और इसके अलावा माइनॉरिटीज़ की जैसे बात की, माइनॉरिटीज़ हमें ज़्यादा प्रोटेक्टेड हैं उनसे ज़्यादा। उनमें माइनॉरिटीज़ पे बहुत जुल्म होते हैं और काफ़ी ज़्यादा, वैसे भी दुनिया पता है उनको कि काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे मुजालिम होते हैं इंडिया में। पाकिस्तान की ये बात है कि यहाँ पे माइनॉरिटीज़ सेफ़ है इंडिया से ज़्यादा, बस यही है। इसके अलावा तो ज़्यादातर इंडिया में ही है। मतलब इंडिया ज़्यादा अच्छा है जी। अगर हम पाकिस्तान इंडिया का कंपेरिज़न करें तो मेरे ख्याल में ये है कि बहुत सारे फैक्टर हैं हम में। मैं समझता हूँ कि हुब्बुल वतनी का जज्बा उनसे बेटर होता है। जैसे जो आपको शो होता है डिफेंस में आर्मी के, उनकी रिक्रूटमेंट पूरी नहीं हो पा रही होती। यहाँ पे ऐसा होता है कि लोग उदास हो के आते हैं कि हम सिलेक्ट क्यों नहीं हुए। तो ये आप शो होता है कि आप अपने वतन के लिए आपकी डिवोशन कितनी ज़्यादा। दोस्तों ये हैं पाकिस्तान के नौजवान जो भारत के बारे में ऐसी सोच रखते हैं। इसमें एक चीज़ कॉमन आपने देखी होगी कि सबको लगता है कि पाकिस्तान की आर्मी भारत की आर्मी से बहुत अच्छी है। अगर इनको सही से हिस्ट्री पढ़ाई जाती तो चीज़ें इनको पता होती, लेकिन पाकिस्तान के अंदर आर्मी के बारे में बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन पढ़ाया जाता है। पाकिस्तान के आर्मी की वेबसाइट के ऊपर अगर आप जाएंगे और वार के वाले कॉलम में जाएंगे तो आपको वहाँ पर हिस्ट्री जो मिलेगी उसमें कोई भी वार जीता हुआ नहीं दिखाया गया है। 1965 के वार में ये बताया गया है कि मुजाहिदीनों ने अटैक कर दिया था, इसलिए हमें उनकी सुरक्षा के लिए जाना पड़ा। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ ये कह रही थी कि पाकिस्तान की आर्मी जो है वो कभी किसी के ऊपर अटैक नहीं करती है। अरे भैया, जब आपके पास आतंकवादी आपने पाल रखे हैं, पहले आप उनसे अटैक कराते हैं और फिर जो है अपने सैनिकों को भेजते हैं। जब कोई पूछता है कि भैया ये कौन है तो कहते हैं ये आतंकवादी है, हमारे सैनिक ही नहीं है। इतनी महान आर्मी है आपकी। इसके अलावा इसमें आपने देखा एक कॉमन जो है थिंकिंग है कि दुनिया की सबसे अच्छी आर्मी है, भारत से सबसे अच्छी आर्मी है, जबकि इनको एक्चुअल में पता ही नहीं है। एक वर्ल्ड रैंकिंग निकलती है, उसके बाद में जो है उसमें 9th नंबर के ऊपर पाकिस्तान है, 4th नंबर के ऊपर भारत है। अब उस लहजे से देखें तब भी वो नंबर 1 नहीं है। दूसरा लहजा चलिए हम देख लेते हैं जो आज तक लड़ाइयाँ हुई हैं। 1971 में 93,000 सैनिकों का सरेंडर करने के लिए पाकिस्तान की आर्मी ने पेपर तक साइन कर दिए। उसके बाद में भी इनको ये लगता है कि इनकी आर्मी बहुत अच्छी है भारत से। तो ये कहा जाता है मैनिपुलेशन, जो यूथ है उसका दिमाग किस तरीके से ब्रेन वॉश किया जाए, ये यहाँ पर आपको साफ साफ देखने को मिलता है। पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम जो है वो अपने हिसाब से बनाया गया है और जो बच्चे हैं उनका ब्रेन वॉश किया जाता है। दूसरी चीज़ यहाँ पर एक कॉमन निकल के आई कि जो पाकिस्तान के अंदर हिंदू या नॉन मुस्लिम है बहुत ज़्यादा सेफ है। अब इसकी थोड़ी सी हम आपको हिस्ट्री बता देते हैं। 1947 से लेकर आज तक सारे नॉन मुस्लिम की जो पॉपुलेशन है वो डिक्रीज़ होती गई है। आप इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि वहाँ पर कितने लोग सेव होंगे। इसके अलावा 1000 हिंदू लड़कियों को कन्वर्ट किया जाता है हर साल, पाकिस्तान के अंदर ज़बरदस्ती कन्वर्ट किया जाता है उनको किडनैप कर कर। इतनी ज़्यादा सेव है वहाँ पर, आप इस बात से अंदाज़ा लगा लीजिए। ये वीडियो बनाया गया है पंजाब के अंदर हिंदू बहुत कम रहते हैं, इसलिए ये लोग कुछ जान ही नहीं पाते हैं और इनकी जो मीडिया है कभी भी हिंदुओं के बारे में कोई भी खबर नहीं चलाती है। इसके अलावा बहुत बड़ा एक जो है मैटर हुआ था पाकिस्तान के अंदर। एक MBBS कर रही थी छात्रा, उसका जो है रेप किया गया, उसके बाद में उसको मार दिया गया। जब उसको केस जो है सुनवाई के लिए जब वो अदालत पहुंचता है तो जज जो होते हैं वो सुनवाई से इनकार कर देते हैं। तो इस तरीके के जो है बहुत सारे आपको वाक़या पाकिस्तान के अंदर सुनाई पड़ेंगे। और ये कहते हैं यहाँ पर जो माइनॉरिटीज़ हैं बहुत ज़्यादा सेव हैं, भारत के अंदर जो मुस्लिम हैं वो सेव नहीं है, जबकि यहाँ पर जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज़ हो रही है और वहाँ पर नॉन मुस्लिम की पॉपुलेशन जो है वो डिक्रीज हो रही है। तो ये भी थोड़ा सा माइंड लगा के सोचना चाहिए था। यही नतीजा होता है कि जब जानकारी नहीं दी जाती है, इसके अलावा जब मैनिपुलेशन चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, एक तरफ की चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, तो वहाँ के जो लोग होते हैं उनका दिमाग कहीं ना कहीं ख़राब ज़रूर होता है। पर जो पाकिस्तान के लोग सोचते हैं कि जो उनकी आर्मी है दुनिया की सबसे नंबर 1 आर्मी है, थोड़ा सा गूगल कर लें और ख़ुद अपनी जो आर्मी की वेबसाइट है उसके ऊपर जाकर पढ़ेंगे तो उनको अच्छी से हिस्ट्री जो है समझ में आ जाएगी। जो किताबों में हिस्ट्री पढ़ाई जाती है कहीं ना कहीं वो बदली हुई है। भारत के लोग पॉजिटिव नहीं है, ये कहने वाली जो लड़की है उसके ऊपर दुनिया हंस रही होगी। आज इतना नेगेटिव पाकिस्तान हो चुका है कि वहाँ पर आर्मी ही जो है अपने देश के लोगों के ऊपर गोलियाँ चला रही है, और भारत इतना पॉजिटिव है कि पूरी दुनिया के अंदर भारत का नाम लिया जाता है। भारत के साथ लोग रिलेशन रखना चाहते हैं और पाकिस्तान को लोग किनारे रखना चाहते हैं। दोस्तों वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।